और निकल पड़े हैं अभी हम चार धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए। हरिद्वार गंगा स्नान के बाद हर की पौड़ी से निकल पड़े हम लोग सीधे यमुनोत्री जी के लिए। पहले हम लोग जाएंगे यमुनोत्री जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे गंगोत्री जी, उसके बाद पहुंचेंगे 6 मई को बाबा केदारनाथ जी के धाम और 8 मई को पहुंचेंगे बाबा बद्रीनाथ धाम में। और यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है। हर बार इस यात्रा को मैं अपनी गाड़ी से करता था, लेकिन इस बार जो है इस यात्रा को हम बाइक से करने वाले हैं और पूरे व्यूज़ दिखाऊंगा मैं आप सभी को यात्रा के, कैसा रोड है इस समय यात्रा के लिए, क्या क्या तैयारियां प्रशासन ने कर रखी हैं इस समय यात्रा के लिए। और देखिए रश बहुत हो चुका है हरिद्वार के अंदर इस समय, पूरे देश से श्रद्धालु आना शुरू हो चुके हैं हरिद्वार के अंदर। चारों तरफ आपको जो है भीड़ देखने को मिलेगी और हम निकल रहे हैं इस समय हरिद्वार से। ये हरिद्वार का आप मेन बाज़ार का रोड देख रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, बहुत सारी दुकानें अभी बंद हैं और दिन में तो दोस्तों मार्केट में और भी ज़्यादा रश हो जाता है। ये अभी सुबह 8 बजे का समय है और 8 बजे हमने अपनी यात्रा को शुरू कर दिया है। हम लोग जाएंगे सीधे यमुनोत्री जी, यमुनोत्री जी के बाद हम पहुंचेंगे सीधे गंगोत्री जी में और वहां से फिर लाइव अपडेट दिखाएंगे आप सभी को यात्रा रिलेटेड। और चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों इसको रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे हरिद्वार के लाइव नज़ारे। इस समय हम हरिद्वार से निकल चुके हैं हर की पौड़ी से और ऋषिकेश की तरफ हम लोग जा रहे हैं इस समय। और इस यात्रा को हम जो है चार धाम की यात्रा को हम लोग अपनी बाइक से पूरा करने वाले हैं और सारे व्यूज़ दिखाएंगे आपको अपने इस चैनल पर। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं हरिद्वार के लाइव नज़ारे। और वीडियो पसंद आए कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सारे अपडेट्स मिलेंगे यात्रा रिलेटेड आपको। हरिद्वार तक आने में कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का ई पास नहीं चेक हो रहा है, ना ही कोई कोविड रिपोर्ट चेक हो रही है और बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप हरिद्वार तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। हरिद्वार में गंगा स्नान का लुत्फ उठा सकते हैं। और अगर आप आगे चार धाम की यात्रा में जाना चाहते हैं तो दोस्तों चार धाम की जो यात्रा है वो भी यहीं हरिद्वार से शुरू होती है। और हम लोग निकल चुके हैं इस समय यमुनोत्री जी की यात्रा के लिए। यमुनोत्री दोस्तों लगभग 350 किलोमीटर है यहाँ हरिद्वार से और लगभग शाम तक हम पहुँचेंगे यमुनोत्री जी में। हो सकता है हमें रात हो जाए रास्ते में ही, लेकिन सारे अपडेट्स आप लोगों को हम देते रहेंगे अपनी वीडियोस के माध्यम से कैसे कैसे इस साल आप चार धाम की यात्रा को कर सकते हैं। और बाइक पे यात्रा करने का दोस्तों एक अलग ही इस बार का आनंद हम लोग ले रहे हैं और नज़ारे लेते हुए इस समय पहुँचेंगे हम उत्तरकाशी होते हुए यमुनोत्री। और यमुनोत्री जी के कपाट खुलेंगे कल 3 मई को और वहाँ से आप लोगों को लाइव दर्शन दिखाए जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से कैसे माँ यमुनोत्री जी के कपाट खुलते हैं, क्या नज़ारा है इस समय यमुनोत्री जी के ट्रैक का और कैसे आप लोग जो है यमुनोत्री जी का ट्रैक कर सकते हैं इस साल। तो इस तरह के सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। कृपया चैनल पर नए आए हैं इस चैनल को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हरिद्वार से हम लोग जाएंगे ऋषिकेश, ऋषिकेश से नरेंद्र नगर और सीधे पहुंच जाएंगे हम उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से फिर हम लोग जाएंगे यमुनानी की तरफ, यमुनोत्री धाम की तरफ और चार धाम आलवे
अपडेट मिलेगा आपको इस चैनल पर कैसा इस समय रोड बन के तैयार हो चुका है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो कितना समय लगेगा आपको इस यात्रा में और रोड कैसा है, इस तरह की सारी जानकारियां आप लोगों को मैं दूंगा अपने चैनल पर। चैनल पर नए आए हैं रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हम लोग हरिद्वार से निकल पड़े हैं और आप हरिद्वार की मार्केट देख पा रहे हैं। सुबह का वक्त है, काफ़ी सारी दुकानें खुल चुकी हैं और काफ़ी रश है इस समय हरिद्वार में। बहुत सारे यात्री आए हुए हैं इस साल चार धाम यात्रा के लिए और आप देख पा रहे हैं ये जो सारी बसें खड़ी हैं, ये सब दोस्तों यात्रा वाले भक्तों की है। और इस समय चार धाम यात्रा बड़े उल्लास के साथ इस साल चलने वाली है। लाखों की संख्या में भक्त जो है इस साल दर्शन करेंगे और फिलहाल जो है दोस्तों 45 दिन के लिए नई गाइडलाइन आ रखी है, सीमित संख्या में ही यात्री इस समय धाम में जाकर दर्शन कर सकते हैं। जिस भी धाम में आप दर्शन करना चाहते हैं उस धाम का आपको यात्राई पास बनवाना है। यात्राई पास बनाने के बाद जो है दोस्तों आप लोग उसी धाम में दर्शन कर पाएंगे जिस धाम का आप ई पास बनाएंगे। और ई पास के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य नहीं है, बल्कि हमने जो है दोस्तों केदारनाथ और बद्रीनाथ जी का तो ऑनलाइन यात्रा परमिट बनवा रखा है, लेकिन केदारनाथ और बद्रीनाथ का परमिट तो हमारे पास ऑनलाइन है और गंगोत्री यमुनोत्री जी का परमिट हम लोग ऑफलाइन बनवाएंगे यहाँ ऋषिकेश से। और जहाँ पर भी ऑफलाइन ई पास बनेंगे वहाँ से मैं आप लोगों को लाइव अपडेट दूंगा कैसे आप ई पास बनवा सकते हैं ऑफलाइन भी यात्रा के दौरान। और हरिद्वार से आप लोग इस समय नज़ारे देख रहे हैं 2 मई के दिन हर की नगरी हरिद्वार से, और यही यात्रा गेट है चार धाम यात्रा का, यहीं से जो है यात्रा शुरू हो जाती है। गंगोत्री जी यमुनोत्री जी केदारनाथ और बद्रीनाथ दोस्तों यहीं हरिद्वार से आप लोग जा सकते हैं। और ये सामने देखिए ये ऋषिकेश का नेशनल हाईवे आ गया है। अभी हम भीमगोडा की तरफ से ऋषिकेश हाईवे पे पहुंच चुके हैं और इसी हाईवे से हम लोग अपनी यात्रा को करेंगे उत्तरकाशी होते हुए। हम लोग आज पहुंचने वाले हैं यमुनोत्री जी में और ये आप देख रहे हैं इस समय ये चार धाम यात्रा का ऑल वेदर रोड है। और हरिद्वार से निकलने के बाद ये फ्लाईओवर पे अभी काम चल रहा है, काफ़ी जो है रोड तैयार हो चुका है, कुछ कुछ जगह पर अभी काम बाकी है और बड़ी तेज़ी के साथ रोड का काम चल रहा है इस समय। और अभी ऋषिकेश रोड से आप न्यूज़ देख रहे हैं। और नज़ारे देखिए इस समय आप, कितना रश हो चुका है हरिद्वार में, चारों तरफ भक्त ही भक्त आपको देखने को मिलेंगे, पूरा पैक हो चुका है इस समय हरिद्वार यात्रियों के साथ और पूरे देश से इस समय यात्री पहुंच रहे हैं दर्शनों के लिए। जो भी भक्त आना चाहता है इस साल उत्तराखंड के चार धाम यात्रा में तो वो बेफिक्र होकर यात्रा का प्रोग्राम बना सकता है। इस बार यात्रा बड़े जोरों के साथ चलेगी और काफ़ी व्यवस्था इस समय प्रशासन ने कर रखी है यात्रा के लिए। और हरिद्वार से निकल रहे हैं हम इस समय पर, नज़ारे देख रहे हैं आप सीधे हरिद्वार से। 2 मई 2022 के दिन हम जा रहे हैं इस समय यमुनोत्री जी के धाम में। कल कपाट खुलने वाले हैं और यमुनोत्री धाम से दिखाएंगे हम आपको कपाट खुलने का पूरा कार्यक्रम अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये देखिए सामने
ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है ऋषिकेश रोड पर। हरिद्वार से अभी हम ऋषिकेश की तरफ चल रहे हैं और फ्लाईओवर का काम काफ़ी जो है तेज़ी से चल रहा है। अभी मैं जो फरवरी में आया था तुंगनाथ की यात्रा में, तो उस समय जो है यहाँ काम नहीं चल रहा था और अभी इस एरिया में भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। काफ़ी तेज़ी के साथ इस बार रोड पर काम चला हुआ है और यात्रा बड़े अच्छे से इस साल आप लोग रोड से कर पाएंगे। और आगे आने वाले सभी अपडेट्स को देखते रहिएगा हमारे चैनल से। धन्यवाद।